केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। जो चीज चल रही है आज के हिंदुस्तान में, या आप इन्वॉल्व रही हैं, क्योंकि आगे जाके आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का 60% पॉपुलेशन यूथ है। तो आपका इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, सोशल एक्टिविटी हो और रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, बहुत ज्यादा होना चाहिए और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ होना चाहिए। क्योंकि जो यूथ है अब, जो 60% इंडिया का यूथ है, वही जाके भविष्य में एक 10 साल बाद इंडिया और भारत जैसा आगे जाएगा उस पर डिपेंड होगा। जो आज का माहौल है, जो फेक न्यूज़ जो चल रही है, इसीलिए मैं यूथ से और हमारे मुसलमान यूथ से भी यही अपील करता हूँ, फैक्ट्स फिगर्स पढ़िए, न्यूज़ पढ़िए, देखिए, और जहाँ जो चीज़ ज़रूरी नहीं है, जो अक्सर ऐसा होता है कि उकसाया जाता है, आप ये षड्यंत्र में मत पड़िए। सो फोकस और जितना होता है दीन और अल्लाह जो सिखाया है उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए, हालात से वाकिफ हो जाए। और क्या होता है, हम इमोशनल हो जाते हैं टाइम पे। सो कोई भी ऐसा कदम मत उठाइए जो आपको तकलीफ में डाल दें, क्योंकि आज का जो माहौल है, जो इंशाल्लाह ये भी दौर आया है और बदलेगा, हर दौर बदलेगा। सो हमें थोड़ा सब्र रखना चाहिए। और मेरी स्पेशल अपील है मुसलमानों से, जितना चाहे इम्पोर्टेंट एजुकेशन है, किसी हालत में एक टाइम की कम रोटी खाओ, बट एजुकेशन घर में बच्चों को अच्छा एजुकेशन दो, क्योंकि कम्युनिटी जो आगे जा सकती है एजुकेशन से जा सकती है। शह नशीन पर तशरीफ फरमा मोजीन और मेरे सामने तशरीफ फरमा जमी हाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मंचे जमा करने का एक तारीखी काम किया, और कोई काम जब शुरू किया जाता है तो जरूरी नहीं कि उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबिस्ता की जाए। जब हम दरख्त लगाते हैं तो दूसरे दिन उसको फल आने की तो नहीं कर सकते। अब ये एसोसिएशन कायम हो रही है तो चलते चलते ये एक तनावर तरफ बनेगी और सबको इसका फायदा पहुंचेगा। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब और रिजवान असद साहब की तवज्जो चाहूँगा कि उबैदुल्ला शरीफ साहब की और रिजवान असद साहब की मैं तवज्जो चाहूँगा अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले। वो इस तरह के उबैदुल्ला शरीफ साहब बहुत बेबाक सहाफ़ी हैं, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ बेबाक सहाफत को क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। मैं आज उनके हवाले से ये बात रखना ज़रूरी समझता हूँ। आप सबके लिए भी ये इससे एक सबक और नसीहत मिल सकती है। मैं केबीएन टाइम्स में काम करता था, उस अखबार में उबैदुल्ला शरीफ साहब की एक न्यूज़ आई, हमारे दोस्त दिलानुल्लाह काबरी साहब ने भिजवाई थी। उस न्यूज़ के शाये करवाने के बाद उसके ओनर मालिक जो हैं हजरत खुसरो हुसैनी साहब बहुत नाराज़ हुए, और उन्होंने मेरी क्लास ली और मुझसे पूछा कि आप ये न्यूज़ किस तरह छोड़ें। मैंने कहा कि ये गैर जानबदार सहाफत का तकाजा, आपके उनके इख्तलाफात अपनी जगह, आपके और खुसरो साहब के इख्तलाफात बहुत शदीद इख्तलाफात हैं, उसके बावजूद भी मैंने आपके न्यूज़ के पी एम टाइम्स में शायद की। खुसरो साहब ने कहा कि आपने ये गलत किया। मैंने कहा कि बिल्कुल गलत थी, सहाफत के उसूलों के मुताबिक ये दुरुस्त है। तो उन्होंने मुझे अखबार से बाहर कर दिया, और मुझे इसका कोई मलाल कोई गम नहीं है।
क्योंकि हम उसूलों के तहत सहाफत करते, रोजी रोटी या रुपया कमाने के लिए हमने सहाफत को इख्तियार नहीं किया। जहां तक उर्दू सहाफत का ताल्लुक है, वो एक मिशन की हैसियत रखती है। उर्दू सहाफत कोई कमर्शलाइजेशन इसमें नहीं है, एक खिदमत है। तो मैं दूसरी बात रिजवान असद साहब के हवाले से कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी यहाँ बात हो रही थी सहाफियों की, मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सहाफी जो है वो सिर्फ प्रिंट मीडिया के होते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यहाँ तक के जो बड़े बड़े नेशनल चैनल्स हैं उनके रिपोर्टर सहाफी नहीं हो सकते। तो बहुत सारे लोग उनके एंकर्स को भी सहाफी बोलते हैं, वो तो देख कर पढ़ते हैं। सहाफी वो है जिसको लिखना आए, एडिटर वो है जिसको इदारिया लिखना है, तहरीर जिसकी है, सही बात अखबार निकालने की या चलाने की, उसका मालिक कोई भी हो सकता है। चलाने वाले सहाफी होते हैं, मालिक कोई और होता है। रिजवान असद साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ और मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आज जो मैं सहाफी हूँ नशेमन की वजह से, अल्लाह मगफरत करे उस्मान असद साहब को कि उनका अखबार मैंने बचपन में मेरे नाना मुझसे पढ़ाया करते थे, उनको दिखाई नहीं देता था, नशेमन मैं अपने नाना को पढ़कर सुनाता था। वो पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा शौक हो गया कि मैं सहाफत सहाफी हूँ। तो एक अखबार एक खारी को सहाफी बना सकता है, ये बहुत बड़ा कारनामा है। तो ये दो बातें आपके सामने रखने के बाद जो बातें यहाँ जाहिर है, बहुत सारे हमारे जो नौजवान इस सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, और मैं मेरा लड़का खुद प्रिंट मीडिया में आने के लिए आमादा नहीं हुआ, उसने डिजिटल मीडिया शुरू किया, तो मैंने उसकी भरपूर हौसला अफजाई की और आज भी मैं उसकी सरपरस्ती करता हूँ। जहाँ तक अभी हमारे दोस्त ने कहा कि कारीन कम हुए हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा अखबार बहमनी न्यूज जो पिछले 39 सालों से डिस्ट्रिक्ट अखबार चल रहा है, जो है बहुत ही मोहतात रहता हूँ। अब जब भी कभी तकरीर करने वाली है जो आए फिक्र महसूस, उसकी तैयारी करता हूँ बिलखसूस तलफ़ की, इसलिए कि जो लोग होते हैं वो बहुत ही उमदा ख्याल लेकर के आते हैं कि फलाह का एडिटर है, अब इसकी जबान कैसी होगी, कितनी धुली हुई जबान होगी, कौशल दृष्टि में धुली हुई जबान होगी। अब जब सामयिन को मैं ये जबान ना दूँ तो मायूस हो, इसलिए प्रिपरेशन जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। मैं जब भी जाता हूँ फिलवरी तो नहीं कहता, टेम्पररी बात नहीं करता, बाशदा उसकी तैयारी करके जाता हूँ। और जितने भी बड़े बड़े मुखरिर हैं, जवाहरलाल नेहरू के हैं, उनके बारे में भी मैंने पढ़ा है, डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा है, थे मनमोहन सिंह जी, बगैर प्रिपरेशन के नहीं रहते, कुलदीप नायर ने, खुशवंत सिंह ने एक मसूल लिखा था जवाहरलाल नेहरू की तस्वीरों से मिला था, बहुत पहले 30-35 साल पहले, कि नेहरू रात रात भर बैठ कर जो है तस्वीर तैयार करते थे, लेकिन सुबह जाकर ऐसा बोलते जैसे ऑन द स्पॉट वो तस्वीर, लेकिन उसके पीछे रात भर की मेहनत हुआ करती थी हर आदमी की। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी बिल्कुल अगर आपकी जबान अच्छी हो जाए और आप प्रेजेंट उसको अच्छी की तरह से करें, तो मैं समझता हूँ कि एक कामयाबी की तरफ आपने पहला जीना तय कर लिया। जब जबान अच्छी होगी तो लोग भी आपको सुनेंगे, अगर जबान में गड़बड़ हो, जबान में कोई फंसी हो, बुलियत ना हो, कम से कम सही उर्दू जो है वो होनी चाहिए, मेरी आपसे गुजारिश है कि, और वही अच्छा बोल सकता है जो अच्छा पढ़ता है, और वही अच्छा लिखता भी है जिसका मुताला ज्यादा हो, उसी जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है उतना ज़्यादा अच्छा बोल सकता है, वो ज़्यादा अच्छा लिख सकता है। इसलिए आप अपनी ज़बान को बेहतर करने की कोशिश करें, इसके लिए मुताला बहुत ज़रूरी है, तभी जो है हमारी ज़बान में जो है सुधार आ सकता है, हमारी ज़बान बेहतर हो सकती है उसके हक में। और अच्छी खबरों को लें, जो भी शहर चाहते हैं जितना हमें सलाहियत जितना हमें बताएंगे, मुकम्मल तो कोई पूरा कोई इंसान नहीं है, थोड़ी बहुत जो अल्लाह ताला ने इलम दिया उसका अल्लाह ताला का हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि बुजुर्ग बैठे हैं हमारे साथ,
उन सबको मालूम भी है। मैं अपनी बढ़ाई भी नहीं करना चाहता, जो कानूनी तौर से हमको पता है, मुझे पता है, वो आप लोगों तक थोड़ा जो मैं समझता हूँ वो बताता हूँ। चलो सबसे पहले यहाँ जो यूट्यूब चैनल जो देखते हैं, मीडिया देखते हैं, हमारे लोकल बैंगलोर के चैनल हो, कर्नाटका के चैनल हो, जो भी एक बात नज़र आती है, और सबसे पहली वो एक एहसास नज़र आता हो, क्या बोले तो अपने आप को नहीं पहचान दो, इन्हों कौन, उनकी कीमत क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, उन्हों कौन करके उनको खुद मालूम नहीं रहता, उन्हों कौन से लेवल के पर हो। सिर्फ माइक लेकर खड़ जाना या कोई भी न्यूज़ ले लेना, खुद को और ये सारे सोशल मीडिया को, सारे मीडिया के इसके वास्ते एक पहले अपने आप को पहचानना, फिर उसके बाद में अपने इसमें खड़ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो मैं ये सबसे पहले ये बोलना चाहता कि हमारे जितने भी मीडिया चैनल्स हैं उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। दूसरा, आर्टिकल 91 ये ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें पूरी तरह से हक देता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, हर कोई इंसान को, सिटीजन ऑफ इंडिया को सवाल करने का और जवाब उसका हक है, तहकीकात करने का, सवाल करने का, तहकीकात मतलब इन्वेस्टिगेशन वादा, सवाल करने का हक है, और नाइंसाफी इनजस्टिस के ऊपर आवाज उठाने का हर सिटीजन को हक है। सब ये जो हमारे सवाल करने वाले होते हैं उन्होंने सवाल ही नहीं करते, जिसके पास जाती है उन्होंने परेशान हो जाती है, क्या सवाल करता कि पहले ही बोला लोगों को। जो इंसान को हमें सवाल कर रही है उसके लायक के हिसाब के सवाल करेंगे तो इन्फॉर्मेशन मिलती, नहीं तो ये मीडिया जो चैनल में बता को कुछ भी बता को इन्फॉर्मेशन देखो, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देखो, उत्ते कुछ खत्म कर देते। एग्जाम्पल डीजेडी इंसिडेंट हो, कौन से भी एग्जाम्पल, एक छोटे कोई पुलिस स्टेशन में एक बेकसूर या कोई भी एक ड्रग प्लेडर को किसी से भी दाल को इलीगल डिटेंशन कर रही, 24 घंटे से अलावा ज्यादा डिटेंशन नहीं कर सकते उसे, कानून नहीं बोलता, तो उसे ना मोहल्ले वालों को मालूम कानून, ना घर वालों को मालूम, ना खुद मीडिया वाले जो बोलती जाको चैनल आज पुलिस वाले इतने बड़े आदमी को पकड़ डाला कर, सिर्फ उसके जो हकूक है वो हकूक, जो ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन हो रही है आज हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी में, ज्यादातर माइनॉरिटीज में ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रही, ना ये ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या ही करको, ना हम ना खुद को मालूम ना आवाम को मालूम। मैं ये समझता हूँ कि पूरी मीडिया की ये जिम्मेदारी होना चाहिए मेरे नजरिए से, कि आवाम को जैसा खजूर की दुकान खुली तो इतने में बिखरा करके बोलने से बेहतर है हमारे हक को समझाना, हर एक बच्चे को मालूम होना कि जैसा उन्हें एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया उन्हें पैदा होता है तो उसके क्या हक है, उसके क्या हकूक है, जब उसे जानकारी मिले तो आज एक बुड्ढे का हक क्या है, एक बेवा का हक क्या है, हमारे पड़ोसी का हक क्या है, हमारा खुद का हक क्या है, हमें क्या कर सकती करो, जब ये जानकारी मिलती है तब हमें दूसरे को सवाल कर सकती, जब ये जानदार हो गया करके मालूम हो गया तो दूसरे की जरूरत नहीं होती हमारे ऊपर हाथ उठाने, हम उंगली उठाने की, हमें अनजान नहीं उसके वास्ते हमारे ऊपर चला। मीडिया का जो रोल है इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश को भगाने में, उसके बाद आजादी दिलाने में बहुत बड़ा रोल है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, तो उसकी कदर करना हमारी जरूरी है मीडिया का। तो इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस जैसे सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये मीडिया के जरिए से बहुत सी एजुकेशन गैदर होती है, एजुकेशन बहुत से न्यूज इंफॉर्मेशन गैदर होती है, और बहुत से घोटाले बाहर आते हैं, बहुत से करप्शन और जो नाइंसाफी है वो सब आते हैं। जब तक हमें डेयरिंग करके हमारा जो होदा है उसे पूरी तरह से भरपूर अपने आप को समझ को हमें काम नहीं करते तो हमें ये लायक नहीं है, जो इंसान वो लायक का नहीं है वो काम नहीं करना चाहिए, दूसरा काम ढूंढना चाहिए, क्योंकि उसे देख को एक को देख को दूसरा फल रंग लाता, दूसरे को देख को तीसरा फल रंग लाता, इस तरह से ना हमारी कम्युनिटी की कम्युनिटी की एक वैल्यू है, अनएजुकेटेड तबका करके ऑलरेडी रिकग्नाइज हो रहा है, जो एजुकेटेड है उनको हिम्मत नहीं है, जो अनएजुकेटेड है उन्हें आती तो उनको हौसला एनकरेज करने वाला नहीं है।
ये मीडिया के जरिए से दुनिया का और दीन का काम बहुत कर सकती, हमारी दुनिया और आखिरत भी बन सकते हैं। मिसाल तौर पर पहले दुनिया भी मालूमात करे, लोगों को इत्तला करे, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, किसी के साथ नाइंसाफी होगी करके बोले तो उसके बारे में जांच करे, कोई किसी का माल खाया कर तो उन्हें कई को खाया, किधर से खाया उसकी इंक्वायरी करे। ये पूरा हर इंसान को आता है, पड़ोसी को भी आता है, हर ये शहरी को, इंडिया में पैदा होने हर शहरी को मीडिया वाला का छाप नहीं है। हमें मीडिया एड इज ए मीडिया पर्सन एज ए जनरली चाहे क्या भी जो सवाल करती है उनको चाहे तो हमें पूरी इंफॉर्मेशन के साथ करेंगे तो ये पूरी इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचेगी तो ये अवेयरनेस पैदा होगा। एक मीडिया चैनल में भी गिने चुने कम नहीं कम है। आज इंसानों के पास वक्त की कमी है, सोशल मीडिया में घुसको ही व्हाट्सअप टिकटॉक फेसबुक में घुसको ही ज्यादातर उसमें टाइम बिताते हैं, तो प्रिंट मीडिया पढ़ने का टाइम नहीं है। जैसा हजरत बोले जो एक शौकीन तबका है वो प्रिंट मीडिया पढ़ता है, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जाता है सोशल मीडिया के ऊपर। तो ऐसे सोशल मीडिया को मुतासर करने वाले आज के हमारे छोटे बच्चे जनरेशन, जो छोटे छोटे एलकेजी यूकेजी के बच्चे भी उन्होंने यूट्यूब या फेसबुक व्हाट्सएप में देखते हो, ऐसे जगह में हमें एजुकेशनल इंफॉर्मेशन उनको शेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक न्यूज दे, हमारे अब्बा न्यूज पकड़ रही, हमारे पड़ोसी न्यूज पकड़ रही, उन्होंने ये चैनल चला रही, एटलीस्ट वो इन्फॉर्मेशन हमारे मोहल्ले वाले एक न्यूज पकड़ रही तो वो मोहल्ले में रहने वाले के एक न्यूज चैनल न्यूज नफीस साहब भी, नफीस साहब को इतना मालूम होना चाहिए कि हमारे मोहल्ले की क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे मोहल्ले की परेशानी क्या है, हमारे मोहल्ले में यतीम कहते, बेवा कहते, खाने वाले कहते, घोटाला करने वाले कहते, मस्जिद कहते, ये इन्फॉर्मेशन रखना उनके मोहल्ले की कम से कम। तो हमें मीडिया चैनल होने की वजह से हमारी एक जिम्मेदारी होना कि एक अवेयरनेस ले लगाना, अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट, ये मकसद ही मीडिया का है कि अवेयरनेस ले लगाना। सेकंड मकसद क्या है करके बोलेगा तो इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाना। इनजस्टिस के खिलाफ आवाज हमें कब उठाती है बोले तो जब हमें इसकी जानकारी मिली तो ये उठाना। फिर तीसरी बात, फिर दूसरा हमें एक खिदमत अंजाम काम कैसे कर सकती, जैसे कि मैं ये थोड़े हमारे अंदर की कमियां मेरे भी अंदर ही आप सबके अंदर ही, हमें एक दूसरे से मशवरा करने से मांगू, हमारा वो हमारी कौम हमारी जो कम्युनिटी है जो ज्यादातर ड्रग्स और नशे में तबाह हो रही है, एक मीडिया वाले की भी जरूरत नहीं होती कि ड्रग डीलर की वीडियो पकड़ को डालने के बाद क्या हो जाता है, मारती नहीं मारते, डरती। जिसके पुलिस को मीडिया को जो जो डरती वो डर को बिखार को उड़ा ले रही है। इंसान खराब होने के बाद में ड्रग अडिक्ट होने के बाद में उसे रिहैब खोलने की कोशिश कर रही, उन्हें खराब होने से पहले पेटर्स को पकड़ को डालने की कोशिश कौन भी नहीं कर रही, ये हमारी कोशिश होना चाहिए। मियां बीवी रिश्ते टूटने के शादी होने के बाद में इख्तलाफ होने के बाद में काउंसलिंग सेंटर खोली, प्री मैरिज काउंसलिंग सेंटर कौन भी खोले, चलो ये शादी हो रही है, ये शादी होने से पहले मियां के हुकूक क्या है, बीवी के हुकूक अपने इरादे शहरों ने आकर हमको सहारा दिया, थाम लिया। मैं मुबारकबाद देता हूँ इब्राहिम नफीस को कि पिछले 6-7 महीने से जो उनकी जो कोशिश जारी थी और आज उर्दू मीडिया डेवलपमेंट का इंतखाब हुआ और बहुत से साफी हजरात आए हैं, बहुत खुशी हुई, एक प्लेटफॉर्म मिला बहुत साल के बाद। मैं उबैदा शरीफ साहब हैं, 1992 में 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई और जब मेरे मरहूम वालिद मरहूम उस्मान सर साहब थे, उबैदा शरीफ साहब थे और सादात के हर्षा होटल के बाजू जो पुरानी बिल्डिंग थी वहाँ एक मीटिंग हुई कि एक उर्दू एसोसिएशन फॉर्म करेंगे और एक टीवी चैनल का एक हमारे पास चैनल नहीं बल्कि करें। वो दिन से लेके आज तक आज अमल में आया तो बहुत खुशी की बात हुई। वो मीटिंग में क्या हुई, सब बैठे बात करे, प्लान करे, बिरयानी खाए चले गए और आज भी हम बिरयानी खाए और उम्मीद करता हूँ कि आज वो नहीं हुआ, अमल करें, आज हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मैं वैदाशी सहाफी हूँ, उसे मैं सर्टिफिकेट इसे देने की जरूरत नहीं है। मैं उर्दू सहाफत के अलावा अंग्रेजी सहाफत में काम किया हूँ, टेलीविजन में काम किया हूँ। मैं एक फखर नहीं है, गुरूर नहीं है, मैं ये कहने में ये कर रहा हूँ कि सबसे पहले कन्नड़ा चैनल का
इब्तदा मैंने किया है 1996 में सिटी केबल में। आप अगर इसके बारे में पूछ रहे तो प्रेस क्लब में जाके पूछ लो, बच्चा बच्चा बोल देगा। खैर वो अलग बात है, एक बहुत बुरी नजर से देखते हैं। और फिर यही लोग बोलते हैं कि उर्दू को तुम प्रमोट करो, उर्दू बात करो, उर्दू पेपर सपोर्ट करो। हमारे वालिद बुजुर्ग पासवान पेपर से उनकी सहाफत की शुरू की, उसके बाद नशेमन आए, और नशेमन हिंदुस्तान नहीं गैर मुबाइल पूरे दुनिया में नाम है। और मैं फखर और मुझे बहुत खुशी है कि मैं मरहूम उस्मान सद की पेट में पैदा हुआ और उनका बेटा हूँ। और अफसोस इस बात का है कि उर्दू सहाफत को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। पिछले मेरे मैनेजर सरदार साहब हैं, उनको पूछो, पिछले कोविड से पहले नशेमन पेपर जो पूरे इंडिया में जा रहा था उसका सर्कुलेशन था, कितना नुकसान हुआ मुझे मालूम। और उर्दू पेपर को कोई सपोर्ट नहीं है, ना गवर्नमेंट से सपोर्ट है, ना हमारे होम और मिलत के जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको सपोर्ट नहीं है। बहरहाल और आज एक एसोसिएशन फॉर्म किए हैं, और ये मैं यूट्यूबर बोलना पसंद नहीं करता, मैं आपको आज से साफ ही बोलता हूँ कि मुझे 5-6 साफ भी बच गए थे बेंगलोर में, तो आज भी आप हमारी इस ब्रदरी में जम गए हैं। तो आप साफत साफत की दुनिया बोलो, यूट्यूबर बहुत कॉमन वर्ड हो गया है, और आज यूट्यूबर बोले तो बहुत इससे देखते हैं हम, अरे क्या भी उन्हें ऐसा कर रहा है, उन्हें ऐसा कर रहा है। जैसा इब्राहिम नफीस ने कहा कि ब्रेकिंग न्यूज क्या है, और मैं वो सब आज मुझे मालूम है क्या हालात है, मैं वो बोलना नहीं चाहते, उनको डिग्रेड नहीं करना चाहता हूँ, उनको उनकी रोजी रोटी है। बहरहाल आज एसोसिएशन फॉर्म है, मैं सबसे पहले, मैं प्रेस क्लब का 17 साल कमेटी मेंबर था, सबसे पहले हम एसोसिएशन को रजिस्टर करना चाहिए, और जो भी मेम्बरान है उनके पास हम फीस कलेक्ट करना चाहिए, एक नॉमिनल फीस, एनुअल सब्सक्रिप्शन बोल के या एडमिशन फीस बोल के। तो एक ये होगा, अकाउंट खोलेंगे कोई भी बैंक में अकाउंट खोल के, प्रॉपर वे, उसके बाद एक ऑफिस खोलेंगे, उसके बाद जो भी है ऐसा करेंगे। और आज एक उर्दू साफी को, उर्दू पेपर को गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। और यह सोच के हम एसोसिएशन बना ले, हमें ये करने वाले हैं, हमें यहाँ घुस जाते, नहीं, हमारे खुद के मुसलमान MLA, मुस्लिम MPs और मुसलमान ऑफिसर, तुम ना उर्दू वाले को अंदर नहीं जमाते, मुझे मालूम। और जहाँ तक डेयरिंग का सवाल है सिराज साहब, बहुत से आदमी मुझे बुलाते नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्यों बोले तो मैं डेयरिंग क्वेश्चन पूछता हूँ, और मेरा कलम नहीं बिकता है। जी हमारे वालिद बोल गए, जिस दिन तुम्हारा कलम बिका जर्नलिज्म छोड़ा लो, और मैं उर्दू को बिका बेच को नहीं हूँ, और उर्दू को कभी गिरवी भी नहीं रखूंगा इंशाल्लाह। आज हम यहाँ जमे हैं, एक प्लेटफॉर्म हमको मिल रहा है, इस प्लेटफॉर्म से हमें क्या करना है वो तुम्हारे स्टोरीज पर्सनल कर लियो, क्या भी उससे लेना देना नहीं है हमको, तुम्हें स्टोरीज कर, मगर जो इदारा है एक आपके प्रोटेक्शन के वास्ते। चलो हजरत बोले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, मान जी गुलबर्गा की न्यूज होना है तो गुलबर्गा की न्यूज जाता हूँ, आज वो फ्रीडम न्यूज, मुझे सवेरे फोन कर बोले एक अमित शाह की एक वीडियो है मुझे भेजो, उसमें ट्रांसलेटर रॉन्ग डाले, उन्हें कोरोना का बोला, तुमने कांग्रेस में बोला, तुमने यूट्यूब में डालती तुम्हारा स्ट्राइक मारती दालों को, मैं गाइड कर रहा हूँ, उनको स्ट्राइक मारती, उसके बाद तुमने कम्युनिटी गाइडलाइंस में तुम्हारा चैनल को ब्लॉक कर दी। तो हमें एडवाइस देना है, हमारा काम क्या है, अच्छी न्यूज, अच्छा एडवाइस देना है, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। हमें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कुछ करेंगे। और जहां तक जर्नलिज्म का सवाल है, मेरी ऑफिस में आज 20 पर 2 लड़कियां ट्रेनिंग हो रही है आज, और मैं सेंट डांस कॉलेज, मोहन कर्मे कॉलेज और दीगर दूसरे कॉलेज में जर्नलिज्म क्लास लेता हूँ। आई टीच देम रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कैमरा कैसा पकड़ना। और मैं फखर से कहता हूँ कि बहुत से लोग जो साफत में हैं वो नशेमन और शाम से शाम तक के तरफ से हैं, और मेरे ऑफिस में जितने भी काम कर रहे हैं आज पूरे यूट्यूबर्स हैं, आप साफत हैं, साफ ही हैं, चाहे कर्नाटका में कोलार ले लो, बेलगाम ले लो, हुबली ले लो, दारा ले लो, तो काम है तो मेरे रिजवान साहब के साथ थे, और इब्राहिम नफीस भी मेरे साथ थे, मुझे बहुत फख्र है कि आज वो मेरे साथ हैं, और एक एसोसिएशन बनाए इंशाल्लाह, हमें इस एसोसिएशन का नाम बुलंद पर रखेंगे, और मिसयूज नहीं करना है, और एक हम इसके अलावा एक आईडी कार्ड बनाना है हमारे एसोसिएशन से रजिस्टर करने के बाद, एक नॉर्मल फीस देंगे,
मेरे से कोई भी ताउन है, कोई भी मदद ना है, इंशाल्लाह मैं मेरे पास आइए और जो भी अच्छा काम है उसके मैं ये सपोर्ट करता हूँ। और मसूद अनपर साहब बोले वो भी नहीं आता, उनको मेरे बारे में मालूम नहीं है, मैं शो नहीं करता, मैं उर्दू में क्यों नहीं पूछता हुआ तो मेरी रीच, मेरा यूट्यूब रीच नॉन मुस्लिम में ज्यादा है, मैं मेरे यूट्यूब रीच में पूरे नॉन मुस्लिम देखते हैं, इसलिए मैं इंग्लिश में करता हूँ, मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, मैं उर्दू भी अच्छी है और मैं हिंदी भी आती है और कन्नड़ भी आती है, तो मेरा अल्लाह जानता है और उससे सबसे अच्छा मैं उससे अच्छा इंसान हूँ। वाकई जनाब शरीफ साहब, एक और बुजुर्ग सहाफी गुलमर्ग शहर से आए हैं, अजीजुल्लाह सरमद साहब, उस्मान असर साहब के परजंद, नशमन के एडिटर रिजवान असद साहब, एडवोकेट सिराजुद्दीन साहब, ऊंची आवाज में बोलने वाले, ऊंची आवाज के मालिक, यूनाइटेड उर्दू मीडिया डेवलपमेंट काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी जनाब इब्राहिम नफी साहब, कर्नाटक के कोने कोने से आए हुए साहबी हजरत, उर्दू मीडिया डेवलपमेंट काउंसिल के नए सदर और सेक्रेटरी और तमाम अहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूं। उर्दू सहाफत हो, प्रिंट मीडिया हो या उर्दू टीवी चैनल हो, इस मुल्क में तासुब का शिकार है। शुरू से ही हमारी बदकिस्मती रही कि मुल्क की आजादी के बाद जब दो मुल्क बन गए, यहां की सरकारी जबान उर्दू होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी बहन कहते हैं जिसे हिंदी कहते हैं उसको बना दिया और बड़ी बहन को छोड़ दिया गया और इस जबान को जो है मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की। एक जमाने तक उर्दू जबान को, उर्दू अखबारात को जो है एक हद तक सपोर्ट मिलता रहा हुकूमतों की तरफ से, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो वाकयात इस मुल्क में हुए उसका असर इस पर भी पड़ा। 2008 के बाद मुल्क में जो हुकूमतें आई उनका जो असल मकसद था कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाए, तो जाहिर बात है हिंदू राष्ट्र बनाना है तो एक बहुत बड़ी तादाद में जो यहां मुसलमान रहते हैं उनको दबा के रखा जाए या इस मुल्क की दूसरी दर्जे के उनको सिटीजन्स बनाया जाए, उनके इदारों पर नजर रखी गई, उनके जबान पर भी नजर रखी गई। डीएबीपी जो इदारा है जो इश्तेहारात देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, किसी भी उर्दू अखबार को इश्तेहारात नहीं देते, बगैर इश्तेहारात के अखबार चलाना कोई आसान बात नहीं। मरहूम मकसूद अली खान साहब जो सालार के एडिटर थे वो कहते थे कि रोजाना अखबार निकालना एक बच्चे को जन्म देने के बराबर है, और मेरा यह कहना है कि उर्दू अखबार निकालना और अमेरिका के साथ जंग करना दोनों बराबर है।
मालदार तबका है मुसलमानों में, उनको इस बात का एहसास है कि मस्जिद को चंदा देंगे या अगर मदरसे को चंदा देंगे तो जन्नत मिलेगी, तालीम पे पैसा लगाएंगे उसके ऊपर अहमियत नहीं देंगे। तो उर्दू अखबार तो कहां से देखेंगे, जितने भी बड़े सरमायादार हैं पहली बात उनको उर्दू नहीं आती है, बेचारे वो अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हुए हैं, बहुत कम लोग हैं। और आजकल वो भी ये देखते हैं कि नफा और नुकसान, उर्दू अखबार को अगर इश्तेहार देंगे तो कितने ऊपर कितने लोग उसको पढ़ेंगे, उससे क्या फायदा है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि जबान को जिंदा रखना है, वो फिक्र नहीं है। आज 1991 में मैंने पासवान अपनी जिम्मेदारी में ली, लेने के चंद ही दिन बाद एक साइट बेचा हुआ है और मामला वहांगीर का इश्तेहार था। अब आपके सादा देसा वाला मामला नहीं है, सारा खुशकिस्मत अखबार है। सही बात कौम ने उसको उठा के रखा। आज रहमान खान साहब होते तो बोलता मैं, इस्माइल दावी साहब जब अखबार शुरू किए उससे पहले जो है आजाद हुआ करता था, क्या हुआ आजाद, बंद हो गया। महमूद आया साहब, उनको मालूम था कि अखबार की हालत क्या होने वाली है, उन्होंने देखा कि एक ग्रुप जो है उभर के आ रही है, तो उन्होंने रहमान खान साहब को और इब्राहिम खलीला साहब को बुलाकर जो है सादार उनके हवाले कर दिया। जिस दिन ताबी साहब का इंतकाल हुआ, कब्रिस्तान में हम लोग खड़े हुए थे, महमूद आया साहब मेरे पास है, कहे ये तुम्हें पासवान ले लीजिए, तुम्हें चला सकता। उसके बाद तीन प्रॉपर्टीज मैंने आज तक फरोख्त किए हैं पासवान को जिंदा रखने के। पासवान से कोई फायदा माली फायदा नहीं है, बस इतना है कि लोग कहते हैं कि रोजनामे पासवान के मुदीर हैं, मेरे लिए यही काफी, मेरे लिए यही एक फखर की बात है कि पासवान जो है आजादी के एक साल पहले शुरू हुआ था। आज सालार हो या आपका सहारा हो या पासवान हो, इसके नशेमन, इनका नशेमन का नाम लेना, ऊंची आवाज है या जो भी अखबार छप रहे हैं उनकी इशात कम होती जा रही है। सरवत साहब ने बहुत सही कहा कि लोगों के पास पहली बात वक्त भी नहीं है, और बंगलौर का जो अखबार है वो गुलबर्गा जाने तक दूसरे दिन ही पहुंच सकता है। मैं रोजाना पासवान जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता हूं, थोड़ी देर हो जाती है तो मैसेज आते हैं कि पासवान प्लीज या पासवान डालिए। ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, और सहाफत पे सही सहाफत कैसे करना है, उससे क्या नुकसान हुए। सरमद साहब ने कहा, सरमद साहब को मैं बता दूं, आपके जो सज्जादे साहब हैं उनसे मेरी उनकी बातचीत भी नहीं है, I know. कोई जाति दुश्मनी नहीं है। उन्होंने जो वक्त की जायदादें वो हो या उनके वालिद बुजुर्गवार हो, जिन्होंने भी वक्त की जायदादों पे कब्जा करके रखा है उससे मुझे ना इत्तेफाक है, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। अब ये बात अलग है, वो बड़े असर रसूख के हैं, बुजुर्ग के नाम से जो है चल रहा है दरबार उनका। अब सब सियासतदान जो है गुलबर्गा के उनके पास जाते हैं, सलाम करते हैं, वोटों की जरूरत है बोलकर, वो बात अपनी जगह है। तो आपको मैं माजरत खा हूं कि मेरे वजह से आपने जो अखबार मुझे उसी वक्त मालूम हो गया था, वो दो तीन दिन के बाद ही कि आपको वहां से निकाल दिया।
अखबार चलाना, न्यूज चैनल चलाना कोई मामूली बात है। आज आपने अंजुमन बनाई है, डेवलपमेंट काउंसिल बनाई है, लेकिन मेरा मशवरा है कि वो मगर अगर मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊं यहां तो पूरा भर के रहेंगे, इतने यूट्यूबर्स बेंगलोर में, इतने वो सब यहां नहीं है, उन सबको जोड़ने की कोशिश कीजिए, ये मेरा आपसे मशवरा है। वरना तैयार रहिए, एक और मीडिया काउंसिल बनेगी, पैरेलल बनेगी, और मुझे भी वहां भी जो है मुझे बुलाया जाएगा, मैं वहां भी जाऊंगा। वो अगर सरपंच बनाएंगे वहां तो मैं मुझे वहां भी बनना पड़ेगा, क्योंकि आज ये जरूरी है कि एक उर्दू अखबार दूसरे अखबार की मदद करे, एक चैनल दूसरे चैनल की मदद करे। मेरी शिकायत हमेशा हमारे उर्दू सहाफियों से भी होती है और अब जो ये सोशल मीडिया के चैनल से उनसे भी होती है कि इफ्तिखार साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि उनकी मुलाकात यूसुफ खान साहब, दिलीप साहब से हुई, बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, वो इनसे कह रहे हैं कि मुझे आज की तकरीर में जाना है शाम के, मैं उस जलसे में था, मैं अशोका होटल में जो हुआ टिपू सुल्तान शहीद पे लेक्चर था उनका, तो उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। काफी गहरा मुताला था उनका, बड़ी अच्छी पकड़ उनकी जबान पे, उर्दू पे, अंग्रेजी पे। इफ्तिखार साहब की एक बात वो भी अच्छी लगी मुझे कि अगर आप मुझे कहते तो मैं जो है कम से कम 2 घंटे सर्व करके जो है आज के इस मीटिंग में अपनी तकरीर तैयारी करके आता। बहुत सही है, यही तरीका होना चाहिए। आप क्या कहें, क्या है बोलो, क्या है आज का कहीं क्या तरीका है? नहीं इब्राहिम साहब, सही बात आप इसलिए कह रहे हैं कि आप कुछ लोगों से नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं उनको भी लाइए, उनको भी समझाना और सिखाना है, वो भी हमारे ही है, उसमें भी कई अच्छे हैं, पता नहीं मुझे आज क्यों नहीं आए, रऊफ नहीं आया है, खाजी नहीं आया है, और भी कुछ हैं जो अच्छे ये रखे हैं, काफी सालों से जो है वो इस फील्ड में है, आप बल्कि आप नए हैं उनसे, उनके बाद हैं आप। टीवी चल उनका टीवी अभी अभी आया है, बाद में लिख रहे होंगे, वो बात अलग है। देखिए कोई भी चीज जो है पॉजिटिव वे से नहीं, सही बात है, नेगेटिव मत लीजिए। आज हमारे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मुल्क में जो है आज सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान हाल है तो उस मुल्क का मुसलमान, क्या जिम्मेदारी है हमारी, कैसे हम उन लोगों को तक जो है हमारे मालूमात पहुंचाएंगे, कैसे इस कौम को, सोई हुई कौम को कैसे जगाएंगे, हमारा कोई लीडर नहीं रहा आज, है कोई जिसकी तरफ हम देख सकते हैं, किसकी तरफ देखें, क्या करते हैं लोग, टीवी चैनल कौन सा टीवी चैनल देखेंगे आप, सारे गोदी मीडिया है, एनडीटीवी उसको भी खरीद लिया अदानी, क्या बचा है आज, जो है हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप किसी के पास जा रहे हैं, कोई आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला रहा है, तो वो किस मौजू पे बुला रहा है उस पर थोड़ा से ख्यालात आप डालिए, उसके ऊपर थोड़ा सा होमवर्क कीजिएगा। कोई एमएलए बुला रहा है, वो कहता है कि फिर मैं आज फला फंक्शन कर रहा हूं या मैंने ये किया, तो उससे पूछे कि पिछले 5 साल में आपने क्या किया है, जगह आपकी वो जो लोगों से वादा किया था वो वादा क्यों पूरा नहीं किया, यानी पॉजिटिव वाले में लीजिए, नेगेटिव मत जाइए। होता क्या है, मैं किसी को नहीं पसंद करता, कोई एमएलए है वो अच्छा भी काम कर रहा, मैं कहूंगा वो खराब, और जिसे मैं बहुत चाहता हूं वो कुछ भी काम नहीं कर रहा फिर भी उसकी तारीफ करूं, ये सहाफत नहीं है। आज के हालात बहुत नाजुक हालात से हम लोग गुजर रहे हैं,
मैं समझता हूं कि तमाम सोशल मीडिया में यूट्यूबर्स हैं या क्या कहते हैं आपके सोशल मीडिया हैं, जो भी हैं, जो इस फील्ड में कुछ करना चाह रहे हैं, इन सब का वर्कशॉप जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, मुझे कुछ दिन पहले जो है अजीज बरनी साहब का फोन आया, कहने लगे उपेंद्र साहब क्या कर रहे हैं आप, सहाफती 200 साल मना रहे हैं, आप कुछ कीजिए। मैं बोला कि साहब आप ऐसा कीजिए, रहमान खान साहब से बात कीजिए। हाँ, मैं उनसे ही बात करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि रहमान खान साहब के पास मामला ठकल देंगे तो क्या होगा। और मैंने उनके पास ठकल दिया, उन्होंने शायद उनसे बात की, फिर रहमान खान साहब और मैं मुलाकात नहीं हुई। लेकिन रहमान खान साहब को भी जो है उर्दू सहाफत से बहुत ज्यादा दिलचस्पी, इसमें कोई शक नहीं। आज रोजनामा सालार जिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को उन्होंने एक रेवोल्यूशन लाया है उर्दू सहाफत में, रहमान खान साहब ने पहली बार हिंदुस्तान में उर्दू अखबार किसी ऑफसेट पर प्रिंट हुआ है तो वो सहाफत। लेकिन उसके बाद कई चीजें हुई, फिर अब रहमान खान साहब का ही कंट्रोल है, उसलिए जो है ठीक ठाक चल रहा है। तो मुझे मेरी गुजारिश है आपसे, हमारे पास ये कोलार जो है, कोलार का जिला वो और चनपटन से काफी सहाफी आए हैं। कोलार से जो है हमारे इफ्तिखार शरीफ साहब भी हैं, मसूद अहमद गजनफर भी वही के हैं, उस्मान असद साहब भी वही के थे, ये बेंगलोर के, उनके वालिद साहब जो है कोलार से थे, ये बेंगलोर से हैं, मैं बेंगलोर का हूँ। तो बदकिस्मती है हमारी, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि अच्छे सहाफी काफी वहां से, यानी कलमकार कोलार से आए हैं। हमारा मसूद गजनफर जो है बहुत अच्छे सहाफी, आज इफ्तिखार शरीफ इसलिए जिंदा है यानी सहाफी दुनिया में कि उनका कलम चल रहा है, वो भी चला सकते हैं, आज भी वापस आ सकते हैं यूट्यूब से। तो मैं बड़ी खुशी की बात है कि मैसूर से आए हैं और कहां से, गुलबर्गा से आए हैं, काफी दूर से बीजर रायचूर यादगीर, आप सबसे मिलने का मौका भी हुआ। ये हमारे सरमत साहब का मशवरा सही है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत उमदा मशवरा है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए, बनाइएगा, वर्कशॉप जरूर करेंगे। मैं क्या उर्दू मीडिया डेवलपमेंट काउंसिल वाले करे या ना करे वो नहीं मालूम, लेकिन मैं अंजुमन तरफ़ी उर्दू से करने का हमने इरादा किया है, इंशाल्लाह करेंगे, उस बैनर पर करेंगे तो सभी आ जाएंगे, ये मेरा सोच है। आप इस पर भी कर सकते हैं। नहीं, मैं सरपरस्त हूँ, आपने ये स्क्रिप्ट आपकी लिखी हुई है जिसमें मैंने सरपरस्त लिखा है, मैंने ना उसे मशवरा किया गया, ठीक ठीक है। नौजवान दोस्त है हमारे, इनके बड़े भाई मेरे क्लासमेट रहे हैं, इसलिए वरना मैं इनकार करने वाला था इफ्तिखार साहब, फिर सोचा कि अगर इनकार करूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा कि हौसले पस्त हो जाएंगे इनके, तो नहीं ऐसा नहीं करना है, सरपरस्त रहेंगे, सरपरस्त तो सरपरस्त ही रहेंगे, नहीं रहेंगे, और जो सरपरस्त का काम होता है वही करेंगे, वैसे ही करेंगे, बिल्कुल 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 हाँ। तो मैं तमाम से जो है आप तमाम को जो है मुबारकबाद देता हूँ, काफी दूर दूर से आप लोग आए हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है एक दिन एक रोजा वर्कशॉप या दो रोजा वर्कशॉप जो भी हो तो हम करेंगे। मैं किसी एक ताल्लुक से जो है हमारे इफ्तिखार साहब से बात करने ही वाला था कि भाई काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं। सबसे पहले आज का जो ये इशू बिलखसूस सोशल मीडिया के हवाले से, एक मुअस्सर प्लेटफॉर्म मिल्लत इस्लामिया के पास मौजूद है और उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आवाज़ देना है कि इस प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल हो, और हमारे पास जब फनकारान के पास ऐसी ऐसी सलाहियतें हैं तो उसका भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसके तहत उर्दू मीडिया डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से पूरी रियासत का एक विफाक हुआ है और पूरे मीडिया चैनल जितने भी हैं रियासत भर के,
इन तमाम को यकजा करके ये एहसास दिलाने की कोशिश की है कि आप फर्द वाहिद नहीं बल्कि आपके अंदर एक तंजीम बसी हुई है, आप एक अपनी जात में एक अंजुमन रखते हैं, इसका सही इस्तेमाल, इस प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं मिल्लत के इश्यूज को हल करने की कोशिश करेंगे और मिल्लत की जो लीडरशिप को खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं, इस साजिश के खिलाफ कमर बस्ता हो जाएं और जिसके अंदर जो सलाहियत अल्लाह ताला ने दी है उस सलाहियत का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। उसी के तहत आज अल्हम्दुलिल्लाह बीदर से, हुबली से, धारवाड़ से, बेलगाम से, यादगीर से, गुलबर्गा, रायचूर, मैसूर, तुमकुर और कोलार के भी कुछ चैनल्स हमारे साथ इंशाल्लाह हमारी ग्रुप में शामिल होने वाले हैं, तो तकरीबन 36 ऐसे चैनल्स हैं जो इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म के तहत रियासत गिर पैमाने पर मुत्तहिद होकर मिल्लत इस्लामिया के मसाइल को हल करने की जानिब इकदाम किया है, उसी की एक शुरुआत है और धीरे धीरे जहां जहां आज अरकान आमिला का भी इंतखाब हुआ है, एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी इंतखाब हुआ है जिसमें रियासत भर के तमाम बड़े शहरों की नुमाइंदगी दी गई है, मिसाल के तौर पर बेंगलोर का सदर है तो नायब सदर के तौर पर गुलबर्गा से लिया गया है, जनरल सेक्रेटरी अगर बेंगलोर का है तो नायब सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर शिमोगा को शमूलियत है, या इसी तरह बेंगलोर की कहीं जहां नुमाइंदगी है वहां दीगर मैसूर को, टुमकुर को, मतलब जितने भी बड़े शहर हैं इन तमाम को इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइंदगी देने की कोशिश हुई है और तमाम मुत्तफिका तौर पर इंशाल्लाह मिल्लत के जो मसाइल हैं और नौजवानों के अंदर बेदारी के तौर पर सहाफत को इस्तेमाल किया जाए, उनके अंदर सेंस पैदा किया जाए, इस पर कोशिशों का आगाज हो चुका है, अल्लाह करे इसे कामयाब, उर्दू से हुई है और चूंकि उर्दू मीडिया के हवाले से अब हम जितने भी बड़े चेहरे आज नजर आ रहे हैं वो मैक्सिमम तौर पर मिल्लत की नुमाइंदगी करने वाले उर्दू मीडिया ही से ताल्लुक रखने वाले हैं, तो हमारा मुद्दा फिल वक्त उर्दू मीडिया को फोकस करने का है, सोशल मीडिया के हवाले से हम लोगों की पहल हुई है, मुमकिन है इंशाल्लाह प्रिंट मीडिया में को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा उर्दू मीडिया को, फिर अगर वसायल हमारे वसी हुए इस सिलसिले में मजीद कुछ गुंजाइश निकली तो सिर्फ उर्दू हटाकर मीडिया को भी शमूलियत मिल सकती है। यहाँ सियासी चेहरे या कोई दूसरे चेहरों की बुनियाद पर फोकियत नहीं दी गई है, जितने भी चेहरे हैं सहाफती अल्लाह ताला ने उनको दीगर सलाहियतें दी हैं तो सहाफती जिम्मेदारियों के अलावा दी हैं, तो यहाँ जो फोकस किया जा रहा है उबैदुल्ला शरीफ साहब कांग्रेस के सीनियर लीडर होंगे वो अपनी जगह, मसला ये है कि यहाँ सिर्फ सहाफत को फोकस किया जा रहा है, यहाँ अगर मजहबी दायरे से अगर कोई वाबिस्ता है तो उसके मसलक को नहीं पूछा जाएगा, जिस तरह मसलक को नहीं पूछा जाएगा वैसा उसकी पार्टी से भी सवाल नहीं होगा, इंडिविजुअल तौर पर उसके क्या मसरूफियात हैं, उसकी क्या सलाहियत अल्लाह ने दी है वो अपनी जगह, लेकिन हमारे साथ जो वाबस्तगी होगी वो सिर्फ सहाफती बुनियाद पर होगी, क्योंकि पासबान से वाबस्ता है, रोजनामा पासबान एक मुअक्कर अखबार है, तो उस अखबार के हवाले से उबैदुल्ला शरीफ साहब हमारे जी, ये जो एसोसिएशन बना है उर्दू मीडिया इसमें सिर्फ सहाफी लोग रहेंगे, अगर उसका प्रोफेशन अगर की कोई पार्टी का लीडर है और उसके पास पेपर है तो वो सहाफत की दुनिया में आता है, वो एक पेपर का मालिक है तो वो सहाफत की दुनिया में है, तो इस एसोसिएशन में हमें ये तय किया कि जो सहाफी है उनको ही रहेंगे, बाहर के किसी आदमी नहीं आएगा और जो जर्नलिस्ट है उसको हम ज़रूर इसके मेंबरशिप देंगे और एक एक प्लेटफॉर्म, एक इब्राहिम नफीस का जो ख्वाब था, एक जितने भी उर्दू सहाफत हैं जो बिखरे हुए हैं जो जिसे सपोर्ट नहीं है आज उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है, इंशाल्लाह वो प्लेटफॉर्म हम लेके आगे जाएंगे, एक बुनियाद आज हुई है इंशाल्लाह धीरे धीरे करके जाएंगे, एक साफ जब भी हमेशा गिले और शिकवे रहते थे कि हमने कौन भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हमको कोई पूछ रहा नहीं, हमको कोई बुलाता नहीं, तो एक प्लेटफॉर्म जब मिलता है तो इसका जो आज आगाज़ हुआ है और जो बुनियाद हुई है इंशाल्लाह इसे आगे लेके जाएंगे और हमें वादा करते हैं कि इसमें सिर्फ साफ ही लोग रहेंगे, कोई बाहर का आदमी नहीं है, कोई बाहर का आदमी, क्योंकि तुम्हें दूसरे एसोसिएशन देखो चाहे एडवोकेट एसोसिएशन हो तो सिर्फ एडवोकेट रहते हैं, डॉक्टर्स है तो सिर्फ डॉक्टर्स रहते हैं, तो साफ है तो उनको वहाँ एंट्री नहीं है, हम जाते हैं रिपोर्टिंग करके आते हैं, बट एसोसिएशन में या मेंबर में बनना है तो सिर्फ हम जो साफी है उनको ही हम मेंबर बनाएंगे, चाहे वो अगर वो कल कोई जनता दल का लीडर है उसका पेपर है तो वो भी सहाफत में हिस्सा ले सके, उसके चैनल का अगर है तो वो भी आ सकते। सोशल मीडिया ग्रुप्स के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत अरसे से महसूस की जा रही थी, जनाब इब्राहिम नफी साहब की मसाई से ये ख्वाब आज पूरा हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए तमाम
डिजिटल मीडिया ग्रुप्स एक छत के नीचे जमा होंगे और अपने मसाइल हल करने के साथ साथ अपने फराइज को भी बखूबी अंजाम दे सकेंगे।